भारतीय टीम को घर वापस लाने के लिए बारबाडोस एयरपोर्ट पर पहुंचा स्पेशल विमान। बारबाडोस एयरपोर्ट पर पहली बार विशालकाय प्लेन देखकर कर्मचारियों के उड़ गए होश। इस तारीख को टीम इंडिया पहुंचेगी अपने वतन। पूरे भारत ने ऐसे कर ली स्वागत की तैयारी। भारतीय टीम को बारबाडोस से लाने के लिए बीसीसीआई ने एक स्पेशल प्लेन का अरेंजमेंट किया है। जल्दी भारतीय टीम अपने देश आने वाली है। एयर इंडिया का एक विशाल प्लेन बारबाडोस में लैंड कर चुका है, जिसे देखकर कर्मचारी भी हैरान रह गए, क्योंकि बारबाडोस का एयरपोर्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि उस पूरे द्वीप पर डोमेस्टिक साइज की फ्लाइट ही ऑपरेट करती है। पहली बार बारबाडोस के ग्रंटली एडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोइंग 777 लैंड किया है। इसी फ्लाइट से भारतीय दल भारत आएगा। न्यूज एजेंसी ANI ने फ्लाइट की एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि इसी फ्लाइट में भारतीय टीम बारबाडोस से भारत के लिए उड़ान भरेगी। इसके अलावा बारबाडोस में फंसे भारतीय पत्रकारों को भी इसी विमान के जरिए बीसीसीआई भारत लाने की तैयारी में है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने वादा किया था कि वो कोशिश करेंगे कि भारतीय मीडिया के लोग भी टीम इंडिया के साथ ट्रेवल कर सके। 22 पत्रकारों की टीम के साथ आने की पुष्टि भी हो चुकी है। इसके अलावा एयरपोर्ट के कर्मचारी इस विशालकाय हवाई जहाज को देखकर हैरान रह गए। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2024 करने गए पत्रकारों को एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने बताया है कि पहली बार उन्होंने इस एयरपोर्ट पर इतने विशाल प्लेन को लैंड करते देखा है। बीसीसीआई ने इस स्पेशल प्लेन की व्यवस्था की है। हालांकि कुछ लोगों ने भी दावा किया है कि यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली थी, इसे कैंसिल किया गया और इसे बारबाडोस भेज दिया गया। हालांकि असल सच्चाई क्या है, ये जल्द सामने आएगी। वहीं भारतीय खिलाड़ी गुरुवार की सुबह दिल्ली में लैंड कर सकते हैं और फिर मुंबई में एक रोड शो हो सकता है। आपको बता दें कि बारबाडोस में तूफान का प्रकोप कम हो चुका है, जिसके चलते भारतीय टीम स्पेशल फ्लाइट के जरिए दिल्ली के लिए अब रवाना हो चुकी है। टीम इंडिया को लाने वाली बीसीसीआई की स्पेशल फ्लाइट दिल्ली में लैंड होगी। ये फ्लाइट भारतीय समय के अनुसार कल यानी गुरुवार को सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी। पहले सामने रिपोर्ट्स में बताया गया था कि टीम इंडिया बुधवार तक दिल्ली पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपको बता दें कि भारतीय टीम बीते कुछ दिनों से बारबाडोस में फंसी थी। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को चक्रवाती तूफान के चलते मजबूरन बारबाडोस में रुकना पड़ा था। 29 जून शनिवार को टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला बारबाडोस में खेला गया था। इसके बाद अगले ही दिन तूफान के चलते बारबाडोस का एयरपोर्ट भी बंद हो गया था और वहां स्थितियां असाधारण हो गई थी। अब सामने आई रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय टीम बीसीसीआई की स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचने वाली है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।